किसान भाइयों नमस्कार, आज आप सभी का स्वागत है मैंगो मलिहाबाद नर्सरी में। किसान भाइयों, मैं आज आपको आम की प्रजाति अरुणिका मैंगो दिखाने वाला हूं और जो इसका पौधा है वह अपनी नर्सरी में उपलब्ध मिल जाएगा। और आम की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जैसे अंबिका है, टॉमी है, सेंसेशन है, गुलाब खास, उसनारा, गुलाब जामुन, ऐसी जो है काफ़ी सारे ज़्यादा फैलने वाली आम की वैरायटी आम नर्सरी में उपलब्ध हैं। ये आम की जो वैरायटी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ ये अरुणिका मैंगो है, इधर दिखाइए थोड़ा करीब से। और इस पे कलर जो है वो बहुत ही प्यारा आता है। और जो है पौधा आप लोग मंगाने के लिए हमारे जो है कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 800-94-54-673। अगर आप हमारी नर्सरी से पौधा लेते हैं तो ओरिजिनलिटी के लिए आपको लाइसेंस वाइज बिल हमारी नर्सरी की तरफ से दिया जाएगा। और जो है पौधा आप ऑनलाइन ऑल इंडिया में कहीं भी मंगा सकते हैं। और अभी जो मौसम है वो आज जून की 13 तारीख है और जो है बारिश अभी नहीं हुई है। अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप ऑर्डर अपना बुकिंग करवा दीजिए और एक दो बार पानी गिरने के बाद आपको पौधा हमारी तरफ से दे दिया जाएगा। और आप लोग अब देखिए, इसमें ये जो आम की वैरायटी है इसमें फ्रूटिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होती है। और मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता हूँ कि अगर आपको फ्रूट बड़े साइज़ का लेना हो तो थोड़े कम फ्रूट लीजिए। और जो है ये देखिए, इस पर कलर कितना प्यारा है और फल जो है इसका वो मैच्योर हो चुका है। और जो उस पर फ्रूटिंग सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा है, फलंत जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस आम की प्रजाति का नाम है अरुणिका मैंगो। इसका पौधा अपनी नर्सरी में उपलब्ध है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है और मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड किए हैं इस वैरायटी के बारे में दिखाने के लिए और बताने के लिए। ये देखिए किस तरह से इसमें फ्रूट पकड़ता है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में इसमें फ्रूटिंग होती है और काफ़ी सारे फल छोटे रह गए हैं। उसकी वजह यही है कि ज़्यादा फ्रूट जब आप लेंगे तो फल थोड़ा छोटे रहते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग फ्रूट थोड़ा कम लें ताकि फ्रूट का साइज बड़ा हो। और यह वैरायटी जिससे क्रॉस करके बनाई गई है, ये जो है आम की प्रजाति जो है आम्रपाली और जो है बोल सकते हैं जनार्दन पसंद, उससे मिला करके बनाई गई है। सॉरी, जनार्दन पसंद नहीं, वनराज आम की वैरायटी जो होती है वो भी ऐसे ही रेड कलर की होती है और गोल तरीके का होता है। और जो आम की यह वैरायटी है या वनराज और आम्रपाली से मिला करके बनाई गई है। और पूसा की वैरायटियां और सियासेट की वैरायटियों को आम्रपाली से मिला करके इसलिए बनाया गया है ताकि किसान भाई व टेरिस गार्डनर इसमें छोटे से पौधे में ज़्यादा फ्रूट लेकर के काफ़ी सारा नफ़ा कमा सकें, इसी पर्पज़ से इसे बनाया गया है। मैंने आपको पूरे पेड़ का व्यू करा दिया है और मैं उसके आगे जो आपको दिखाने वाला हूँ वह आम की अंबिका प्रजाति का पौधा दिखाऊंगा। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप लोगों को पहले ही मिल जाएं। इस वजह से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और मैं अब आपको दिखा रहा हूँ अंबिका मैंगो और इसके बारे में भी बता देता हूँ ये कौन सी मतलब नस्लों से बनाया गया है। ये जो है आम्रपाली और जनार्दन पसंद से ये बनाया गया है। अंबिका और अरुणिका जो है वो वनराज और आम्रपाली से मिला करके बनाया गया है। और पूसा की वैरायटियां जैसे पूसा सूर्या, पूसा अरुणिमा, पूसा प्रतिभा, इनके भी पौधे अपनी नर्सरी में उपलब्ध हैं जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाता भी रहता हूँ। और ये अब आप लोग देखिए अंबिका का पूरा पेड़, इसमें भी काफ़ी अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग होती है लेकिन अरुणिका में जो है वो थोड़ा ज़्यादा फ्रूट पकड़ता है। यही खासियत है कि अरुणिका आप लोग ज़्यादा लगाएं, अंबिका थोड़ा कम लगाएं, लेकिन अंबिका का साइज़ बड़ा होता है, अरुणिका का साइज़ थोड़ा छोटा होता है। अब मैं अंबिका प्रजाति का आम अपने हाथ में ले करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बहुत सारे आम बहुत ऊँची ऊँची जगह पर लगे हुए हैं तो वहाँ तक कि मैं नहीं पहुंच सकता हूं, इस वजह से मजबूरन आपको मैं नीचे के आम दिखा रहा हूं। और नीचे के आमों में जो होता है वो ज़्यादा बार छुए जाने की वजह से उनका कलर और उनकी शाइनिंग थोड़ा ख़त्म हो जाती है। जो आम ऊपर हैं वो काफ़ी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव वैरायटियां हैं। और ये देखिए फ्रूट कितने अच्छे और कितने प्यारे और कितनी ही ज़्यादा तादाद में लगे हुए हैं।
और जो इसका पकने का समय होता है वो बहुत लेट होता है, तो इस वजह से इन वैरायटियों को लगा करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे आम की प्रजाति दशहरी, लंगड़ा, चौसा, ये सब ख़त्म हो जाने के बाद ये आम स्टार्ट होते हैं, तो इसी वजह से इनका मार्केट में रेट काफ़ी अच्छा मिलता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि जो है आप सभी लोग अच्छे प्रकार से होंगे और अच्छी तरीके से हमारी वीडियो को देख रहे होंगे और जो है हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं आपको एक पेड़ थोड़ा सा और दिखा देता हूँ जिसमें काफ़ी सारे फ्रूट लगे हुए हैं। ये भी एक पेड़ अंबिका का है, इसमें भी लगे हुए हैं। हम लोगों के पास एक मजबूरी कह सकते हैं कि मजबूरी होती है कि हम लोग पूरे पेड़ से फल नहीं ले पाते हैं, इसे एक तरह से मजबूरी भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को इन मदर प्लांटों से फ्रूट बनाने के लिए जो इसमें ग्रोथ आती है उसको हम लोगों को पेड़ बनाने के लिए कलेक्ट करना पड़ता है, तो इस वजह से ज़्यादा फ्रूट हम लोग आप लोगों को नहीं दिखा पाते हैं। और आइए इधर देखिए, देखिए कितने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।